का दिवाला निकलते देखा है। हमने देखा है कि देश की 95% जनता जिसकी आर्थिक स्थिति बद से बदहाल हो गई है, जिसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, जिसकी इनकम कम हो गई, कोई भी वर्ग हो, 4-5% लोगों को छोड़कर देश का दिवाली मनी नहीं है। दिवाली तो अगले साल ही मनेगी। फिर आपने पूछा जनता के मन में कौन, राहुल या मोदी। देखिए राजीव जी, जनता भी दो प्रकार की है भारतवर्ष में। एक जनता वो है जो करीब 80% है, जो कि देश को प्यार करती है, देश की भक्त है, राष्ट्रभक्त है, जिसमें हम आप हैं। और बाकी 20% जनता देश की ऐसी है जो कि मोदी भक्त है। तो ये जनता दो प्रकार की है। तो 20% जो मोदी भक्त हैं, उनके दिमाग में तो मोदी जी रहेंगे, वो तो हटने वाले मुझे नहीं लगता। 15% हो सकते हैं, 5-6% कम हो जाएं, और बाकी 80% बढ़ के 85% हो जाएंगे, जो कि देश को एकजुट देखना चाहते हैं, देश में एकता अखंडता चाहते हैं। फिर आपने अयोध्या की बात की। देखिए लाखों लीटर तेल जलेगा, इसके अलावा मुख्य बात यह है, बहुत सारे अधिकारियों के और बहुत सारे नेताओं की कोठियां बन जाएंगी, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ रुपए का घोटाला होगा, और इस घोटाले में लोगों की कोठियां बनेंगी, बड़ी बड़ी कारें खरीदेंगे, जो आज हो रहा है कि कारें खरीदी, 50,000 कारें बिक गई, 60,000 कारें बिक गई, उसके लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के घोषणा पत्र के बारे में आपने कहा, अगर 2700 रुपए गेहूं खरीदना है मध्य प्रदेश में, और 3100 रुपए का धान खरीदना है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश वालों ने क्या गुनाह किया है? तोमर साहब जो कि मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, MSP 3100 रुपए 2700 रुपए डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते? और मुझे तो ये लगता है कि देश के किसानों को, किसान नेताओं को, भारतीय किसान यूनियन को और सभी लोगों को यह मांग करनी चाहिए केंद्र सरकार से कि आप जाके ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जुमला उछाल रहे हैं, बाकी देश में MSP कम क्यों घोषित कर रहे हैं? 2700 रुपए में पूरे देश में गेहूं खरीदा जाए और 3100 रुपए में पूरे देश में धान खरीदा जाए। और अगर ये होगा, जो किसान बेचारे यही तो कह रहे थे जब अन्नदाता का आंदोलन चल रहा था, वो कह रहे थे कि आंदोलन हम वापस लेते हैं, लेकिन आप MSP पे ले लीजिए हमारा गेहूं और चावल। अगर MSP 2700 रुपए 3100 रुपए जाएगा, देश की 90% समस्याएं दूर हो जाएंगी। ना आपको उनको मुफ्त अनाज देना पड़ेगा, जब क्योंकि किसान को अगर पैसा मिलेगा तो अपने मजदूरों को भी पैसा देगा, वो जो है कि जो ग्रामीण परिवार हैं उनका भरण पोषण होगा, जो बटाईदार हैं, जो बटाई पे लोगों ने जमीन दे रखी है, उनकी भी आमदनी बढ़ेगी, देश के अंदर आर्थिक विकास होगा, सामाजिक समरसता आएगी। अगर जो ये जुमले उछाल रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर, अगर ये देश के किसानों को दे दें, देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो वास्तविकता में दिवाली तो 9 साल से मनी नहीं, हम मनाते इसलिए हैं कि ये धार्मिक उत्सव है, भगवान श्री राम से संबंधित है, भगवान श्री राम हमारे दिल में विराजते हैं, दिवाली हम मनाते हैं, लेकिन जिस प्रकार का पैसा हम खर्च करते थे उस प्रकार का पैसा अगले साल खर्च करेंगे, क्योंकि 1 साल के अंदर मेरे देश के 70% लोग जो कृषि पे आधारित हैं, उनकी आमदनी अगर 2000 से लेकर 2700 हो जाएगी, और 2500 तो चलिए छत्तीसगढ़ में दे रहे थे धान का, अगर 3100 हो जाएगी, किसानों की आमदनी अगर 25-30% बढ़ जाएगी, तो देश में अगले साल ऐसी दिवाली बनी होगी जो पूरा विश्व देखेगा। घर घर दिए जलेंगे, घी के दीपक जलेंगे, अयोध्या में केवल तेल का घोटाला करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस ने 3200 रुपए प्रति क्विंटल का वादा किया है स्वामी जी, 3200 रुपये। मध्य प्रदेश में भी थे और तेलंगाना में भी थोड़ी देर पहले, वहाँ अपनी रैली में, जनसभा में लोगों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उसी तेलंगाना में हमने वो तस्वीर भी देखी जहाँ कठपुतली के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके हाथ में 2 डोर है, दोनों हाथों में, एक में KCR और दूसरे में आप देख रहे हैं तस्वीर असदुद्दीन ओवैसी हैं। इन तस्वीरों को आप बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, ये तस्वीर बहुत तहलका मचाए हुए है वहाँ पे तेलंगाना में, लेकिन क्या तेलंगाना से लेकर के इधर छत्तीसगढ़ तक, मध्य प्रदेश तक जो तस्वीरें, जो खबरें आ रही हैं, वो खबरें परेशान करने वाली हो सकती हैं BJP के लिए, उनके स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और ऐसे में क्या जनता के मन को टटोलने की कोशिश करें तो 2024 की तस्वीर कैसी बनती हुई आपको दिखाई देती है स्वामी जी?
देखिए राजीव जी, बीजेपी के लिए जितनी ये सूचनाएं कष्टदायक हैं उससे ज्यादा ये सूचनाएं कष्टदायक हैं गौतम अडानी जी के लिए। देखिए देश की जनता को एक आर्थिक सामाजिक स्थिति को समझना बहुत आवश्यक है। छोटा सा बिल्कुल सीधा सिद्धांत है, उसको जनता समझे। देखिए हमारे देश में पिछले 9 साल के अंदर जो विदेशी ऋण है वो 3 गुने हो गए, और हमारे देश की जीडीपी की जो बढ़ने की गति मनमोहन सिंह जी के जमाने में थी वो 2% घट गई। इसका मतलब समझे जनता, इसका मतलब ये है कि आप नए ऋण ले रहे हैं पुराने ऋणों को वापस करने के लिए। अच्छा, कांग्रेस भी घोषणा पत्र जारी कर रही है, बीजेपी घोषणा पत्र जारी कर रही है, क्या ये संभव है? ये बड़ी छोटी सी चीज है समझने की। अडानी जी को भी सब कुछ सौंप दे और बाकी 80% जनसंख्या को भी सब कुछ सौंप, ये संभव नहीं है। देखिए आपको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा जिससे कि सही वितरण हो गरीबों के बीच में और जिनकी अपेक्षाएं उनके बीच में। देखिए कांग्रेस का घोषणा पत्र बिल्कुल स्पष्ट है, हम गरीबों को और मध्यम वर्ग को देंगे, और लेंगे किससे? हम अमीरों से लेंगे। हम कॉरपोरेट टैक्स बढ़ाएंगे, हम कॉरपोरेट टैक्स बढ़ाएंगे जो घटा के 1.5 लाख करोड़ पर ईयर का नुकसान कर लिया मोदी जी ने, जिससे शेयर मार्केट बूम करे और जनता को यह गलतफहमी दी जा सके, क्योंकि शेयर मार्केट बूम कर रहा है इसका माने इकॉनमी बूम कर रही है, कॉरपोरेट टैक्स घटने की वजह से ऐसा हुआ। देखिए देश की गरीब जनता को, किसानों को, अगर किसानों को एमएसपी दे दी जाती जो किसान मांगते हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए पर ईयर का खर्चा है केवल, 2.5 लाख करोड़ पर ईयर का, और आपने जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऋण माफ किए कितने किए, 15-16 लाख करोड़। आप एक गरीब आदमी का 1 लाख रुपए, तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो कांग्रेस कह रहा है, कह रही है, वो ये कह रही है कि हम गरीबों के ऋण माफ करेंगे और अमूरियों से वसूलेंगे। क्या ये संभव है मोदी जी का कि अडानी जी की संपत्ति को भी बढ़ाएं और गरीबों की भी संपत्ति को बढ़ाएं? इसका मतलब ये है कि अगर आपको देश की गरीब जनता को पैसा देना है, बच्चों को बिहार गवर्नमेंट ने नौकरियां दी और वो नौकरियां दे रहा है, क्या ये नौकरी देना संभव है? हाँ, ये नौकरी देना संभव है, लेकिन इसके स्रोत कहाँ से आएंगे? अब इसके स्रोत ऐसे आएंगे जो लोग लंदन जाके बैठ गए हैं और 15-15, 20-20 हजार करोड़ लोग के भागे नहीं है, उनको भगाया गया है, और जिस प्रकार की हवाला रैकेट से और हम लोगों से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के नाम पे, एनर्जी चार्जेस के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है, $80 के क्रूड प्राइसेस होने के बावजूद हमसे वही डीजल और पेट्रोल का प्राइस लिया जा रहा है जो कि $115 पर बैरल के जमाने में हमसे लिया जाता था। तो ये जो बीजेपी की नीति है, जनता को लूटो और अडानी जी को दो। जो कांग्रेस की नीति है वो ये है कि पूंजीपतियों से वसूली की जाएगी, उनसे पैसा वसूला जाएगा, विदेश से बड़े बड़े सेठों को बुलाया जाएगा जो हीरा बेचते थे और नकली हीरा बेचते थे, और देश की गरीब जनता को बांटा जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि देश की जो बहुसंख्यक जनता है जो वोट देती है, उनको राहुल गांधी की मोहब्बत की बातें और ये बातें समझ आ रही हैं, क्योंकि वो जो दावे उन्होंने किए थे उसको पूरा किया। मोदी जी जो कह रहे हैं वो अडानी जी उनसे नाराज हो जाएंगे अगर अडानी जी की संपत्तियों से वसूली करके गरीबों में बांटेंगे, क्योंकि जो जो सारा पैसा है वो सबको पता है किसका है। ए का पैसा बी के पास है और बी का पैसा ए के पास है। शक्तिमान ही गंगाधर है।